पर 12,000 अरब रुपए इतना बड़ा जुर्म और जुर्म किया डकैती है इन्हीं लगड़ों बगड़ों के खिलाफ, वारदातियों के खिलाफ, सरहदों पर दहशत गर्दों की लाशों अंबार, ठंडे पसीने आ रहे हैं इस वक्त। पूरी हाफिज की टीम जो है ना ऐसे हिल गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पूरे तरीके से सीट बेल्टें कस लें, जोर से कुर्सियों को पकड़ लें, क्योंकि आज मैंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो कि एन हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब की नाक के नीचे हो रही है और हुई है, वो आपके सामने रखने लगा हूं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी हाफिज की टीम जो है ना ऐसे हिल गई है, कहते हैं ठंडे पसीने आ रहे हैं इस वक्त। आर्मी चीफ को ठंडे पसीने आ रहे हैं इस तहलका खेज, खौफनाक, दहशतनाक, दिल खराश वारदात जो मैं अभी आपके सामने रखने लगा हूं। और उसमें आप देखें इतनी बड़ी तादाद में रकम इन्वॉल्व है, और उस रकम को अगर आप जरा कैलकुलेट करेंगे तो सारी रकमें एक तरफ, वो अकेली एक तरफ है, और ये जो वारदात है ये महज एक डकैती नहीं है बल्कि ये टोटल दहशतगर्दी है। तो ऑपरेशन अजमे इस्तेकाम जो आर्मी चीफ ने शुरू किया है ना, उस ऑपरेशन अजमे इस्तेकाम को मुकम्मल तब तक नहीं किया जा सकता, उसके नतायज हासिल नहीं किए जाते जो अब ये जो डकैती सामने आई है, ये जो एक नया राज सामने खुला है, जब तक इसको फिक्स नहीं किया जाता। और इसमें जो नाम मैं आपके सामने रखूंगा, कितने बड़े बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप अपने बाल नोचने लगेंगे। और मैं आज पहली दफा आपको ये कहने लगा हूं, आज के इस व्लॉग को अगर आपने समझ लिया ना तो सीरियसली स्पीकिंग आपकी नस्लें सवर जाएंगी। इसलिए एक एक लफ्ज को बड़े गौर से सुनना है। और आज मैं आपको पहली दफा ये कहने लगा हूं कि जनाब आर्मी चीफ को आपने स्ट्रेंथन करना है। इस वक्त आर्मी चीफ को जितनी आपकी जरूरत है ना, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। इसकी रीजन सुन लें, फौज के अंदर उन्होंने हाथ डाला हुआ है, जो काली भेड़े हैं अपने मंजी थले डांग वो भी कंडे आला फेर रहे हैं, चीका निकल रही है ने। आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा जिहाद अपने इदारे के अंदर कल्प्रेट या कल्प्रेट्स के खिलाफ शुरू किया है, सियासतदानों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, और आप देखें कि जो शोभाए जिंदगी है और दहशतगर्द जो फिजिकल अटैक करते हैं उनके खिलाफ तो पहले से ही चल रहा है। तो अब जो ये जो डकैती मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इस प्योरली इस डकैती को सामने रखते हुए आर्मी चीफ को आपके साथ की जरूरत है, तो आपने साथ देना है। और आज के इस व्लॉग के बाद आपने ये खुद सोचना है कि भाई किस कैपेसिटी पे आप साथ दे सकते हैं। तो एंड तक अगेन इस व्लॉग को आपने देखकर आखिर में अपने फीडबैक से जरूर आगाह करना है, कमेंट्स जरूर सेक्शन में अपनी राय देनी है। लेकिन उससे पहले दो खबरें सुन लें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो खान साहब परेशान हो गए और फुड़क कर बिल आखिर फट पड़े हैं, वो है जी मौजूदा सॉरी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। उन्होंने आज बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा जी अगर जो क्या उसे कहते हैं कि कोई मुहाजरा की सुप्रीम कोर्ट के साथ या सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो भाई एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। बेसिकली इसके पीछे जो गुबार उठ रहा है वो ये है कि आपके जो अमेंडमेंट होने जा रही है, जिसका मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूं कि एक्सटेंशन होने लेंगे, उम्र की हद ही बढ़ा दी जाएगी। जब उम्र की हद बढ़ा दी जाएगी तो लाजमी बात है फिर काजी फाइज साहब रहेंगे, वो लोग जो एक एक सेकेंड तक गिन रहे हैं कि काजी फाइज ने जहां से कब जाना है, उनके लिए तो इस वक्त जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है कि 2-3 साल अगर एक आईनी तरमीम के जरिए एक्सटेंशन हो जाती है, मतलब उम्र की हद बढ़ा दी जाती, तो फिर तो असी तो गए। तो बहुत परेशानी लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की गई, मतलब कह कौन रहा है सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने वाले वो कहते हैं गिरोह का अहम दिन रुकन, मतलब आप चेक कीजिए नेम एनीवन। आप शुरू हो जाए खोसा से, हम स्टार्ट कर लेते हैं खोसा से, आसिफ खोसा साहब को लें, शेख अजमत सईद साहब को लें, साकिब निसार साहब को लें, और बीच में आते आते उमर अता बंदियाल साहब को लें, मुजाहिर अली अकबर नकवी को लें, और दीगर जो भी आपके ये हम ख्याल टोले वाले लोग उनको लें जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया सुप्रीम कोर्ट के तकद्दस को, उसकी अहमियत को। आज वो कह रहे हैं कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद करने की कोशिश की या तबाह करने की कोशिश की तो हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। भाई आप जो भी कर लें, जो होना है वो होना है, अब हम क्या कर सकते हैं यार, अल्लाह की मर्जी की करिए जनाब, अब ये अल्लाह की मर्जी है भाई। सारे जमीनी खुदा मिलके जिसे हटा रहे थे, आज उसी के थ्रू अल्लाह ताला ये सफाई और क्लीन अप ऑपरेशन कर रहा है। तो जरा धीरज रखिए, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, रब जो कर रहा है उसकी तदबीर के आगे किसी की नहीं चलती। मैं आपको बताने लगा हूं जनाब उस खौफनाक वारदात का जो एन हाफिज सईद आसिफ मुनीर साहब की नाक के नीचे हो रही है, और उसकी सद्देबाप के बगैर, उसे खत्म किए बगैर, उसको मुकम्मल तौर पर वो कहते हैं कि जमीन बोस किए बगैर, उसे
कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर आप कभी भी अजमे इस्तेहकाम पाकिस्तान नहीं ला सकते। आप 10,000 अजमे इस्तेहकाम ऑपरेशन कर लें, सरहदों पर दहशतगर्दों की लाशों की अंबार लगा दें, आप भाई नहीं जी सकते जब तक इस दहशतगर्दी को खत्म नहीं करेंगे। अब जरा एक एक लफ्ज आपने गौर से सुनना शुरू करना है, फिर आपको पता लगेगा मैं क्यों कह रहा हूं कि आर्मी चीफ को इस खास तौर पर ऑपरेशन अजमे इस्तेहकाम के वो कहते हैं ना कि पोजिशन में आपकी बड़ी सख्त की जरूरत है। मैं पहले खबर सुन ले फिर आपको बताता हूं काम क्या करना है आपने। नाज़रीन, खुदकुशियों का सबब बनने वाले आईबीपीस पर 12,000 अरब रुपए निछावर किए गए टैक्स रियायत की मद में, ये जो सारा काम किया गया इसमें नून लीग मुलव्विस, इसमें आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलव्विस और इसमें आपकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुलव्विस है। इस 12,000 अरब की दहशतगर्दी के पीछे वो कैसे? नाज़रीन, आप हालत देखें, आईपीपीस जिसे दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है आज से 50 साल पहले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन आईपीपीस को बिजली बनाने के लिए यहां इंस्टॉल किया जाता है और ये लूट मार जो की जा रही है, ये आईपीपीस को जो पैसा जा रहा है दर हकीकत घूम फिर के इन्हीं सियासतदानों की जेबों में आ रहा है। तो नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 1988 के बाद से कायम होने वाली आईपीपीस को कॉरपोरेट टैक्स से इस्तस्ना दिया गया, यानी आपके इन्हीं हुक्मरानों ने अपने आप को इस डकैती में टैक्स से इस्तस्ना दिया हुआ है। अब तक 106 आईपीपीस कायम हो चुकी हैं और इन सबको इनकी लाइफ तक के लिए टैक्स इस्तस्ना दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीपीस को दिए गए टैक्स इस्तस्ना का जिक्र 2018 तक के मौशी सर्वे में मौजूद होता था, ताहम जब यह इस्तस्ना बहुत बढ़ गया तो उसके बाद तनकीद से बचने के लिए हुकूमतों ने इसका अलग जिक्र करना छोड़ दिया और उन्हें मजमूई टैक्स इस्तस्ना का हिस्सा बना दिया। मारूफ माहिर मौशियात डॉक्टर अब्दुल हफीज पाशा कहते हैं कि जनाब, उन्होंने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक 1990 से लेकर 2018 तक आईपीपीस को 1,000 अरब रुपए तक का टैक्स इस्तस्ना दिया गया। उन्होंने कहा कि आईपीपीस मुआहदे नवाजने की बेहतरीन मिसाल है, नवाज नहीं नवाजने की बेहतरीन मिसाल है। इन कंपनियों ने एक साल में 30% तक मुनाफा कमाया, इतना ज्यादा मुनाफा देने की वजह से आईपीपीस का सैलाब उमड़ आया। 1990 में 5 आईपीपीस से इब्तदा हुई थी जिनमें से 4 के साथ मुआहदे खत्म हो चुके हैं, जबकि पावर से अब भी पुराने मुआहदे के तहत बिजली खरीदी जा रही है। परवेज मुशर्रफ के 9 साल दौर में 10 आईपीपीस लगी, जबकि पीपल्स पार्टी ने 2018 से 2013 तक यानी अपने 5 साल दौरे हुकूमत में मजीद 10 आईपीपीस लगवा डाली। लेकिन असल में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है वो नून लीग के दौरे हुकूमत में हुआ, जब 2013 में नून लीग ने इक्तदार संभाला और इक्तदार संभालने के अपने 5 सालों में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 55 आईपीपीस लगवा डाली। उसके बाद 2018 से 2023 के दरमियान जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी इमरान खान की हुकूमत आई और पीडीएम हुकूमतों में टोटल मजीद जो इजाफा हुआ 40 आईपीपीस का हुआ। 2021 में टैक्स रियायतें 47 अरब तक पहुंच गई थी, ताहम 2022 में ये कम होकर जो है 37 अरब 45 करोड़ डॉलर रह गई, क्योंकि उसके दौरान पीटीआई की हुकूमत ने आईपीपीस के साथ मुआहदों पर नजरसानी करते हुए उनके रेट कम कराए थे। पीडीएम हुकूमत में 2023 में टैक्स रियायतें फिर 56 अरब तक पहुंच गई। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो लोग कहते हैं जनाब हम बिजली आपको महंगी देने पर मजबूर हैं, या अभी जो रिसेंटली पंजाब हुकूमत ने आपको 14 रुपए यूनिट के छोड़ा है, वो 14 रुपए जो छोड़ा है वो इन कंपनियों को पहले ही अदा कर दिया गया है। इन कंपनियों को हुकूमत ने आप ही के पैसों से अदा करके आप पर एक एहसान करके जनाब किस तरीके से फुद्दू बनाया, उल्लू बनाया, और इस बहती गंगा में आप देखें कौन कौन हाथ धो रहा है। आपके लीडर हाथ धो रहे हैं, जिनको आप वोट देते हैं, जिनके लिए आप लड़ते हैं, जिनके लिए एक दूसरे का सर फाड़ते हैं, जिनके लिए रिश्ते खत्म करते हैं, जिनके लिए तलाके देते हैं, जिनके लिए घर तोड़ देते हैं, जिनके लिए गालन गलोच करते हैं, जिनके लिए अपना आप हलकान करते हैं, ये लोग आपकी इस बर्बादी के जिम्मेदार हैं। आप इस पार्लियामेंट और मुकद्दस ऐवान जिसमें आज ये बहस हो रही है कि जनाब इन आईपीपीस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अब कौन करे इन कार्रवाई को? अभी देखे रिसेंटली खबर आई जनाब आईपीपीस के कुछ लोगों को बुलाया गया, मालिकान को बुलाया गया, साथ ही खबर आ गई जनाब किसी की जरूरत नहीं कि उनको बुलाया जाए, उन्हें पूछ नहीं सकते। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें काम ना करने के पैसे मिल रहे हैं। इस आईपीपीस में आप देखें कि आप बिजली मतलब लोड शेडिंग बिकती है यार, आप इनसे सवाल करें। और कैपेसिटी चार्जेस को अपने पे इन्होंने फिट कर दिया, यानी ये ना बनाए बिजली कोई बात नहीं, फिर भी इन्हें पैसे मिलेंगे। दूसरा,
इन्होंने क्या किया, टैक्स से इस्तेस्ना दिया हुआ है, आपके हड्डियों के गुदे से भी टैक्स, और एक फकीर से भी टैक्स, और एक मरने वाले से भी टैक्स, और एक कफन पे भी टैक्स, और एक कमर में भी टैक्स, लेकिन इनको अरबों खरबों रुपए का टैक्स फ्री किया हुआ है, 12,000 अरब रुपए इनके खीसों में गया है। अब इसमें आप देखें ना, ये सारे मुलव्विस हैं। आपने उस कैपेसिटी चार्जेस में जिसमें डकैती कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में आपने इस डकैती को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना है। इस काम में एटलीस्ट आपने नून लीग वाले नून लीग का गिरेबान ऐसे पकड़े, पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी वालों और आपकी लीडरशिप का गिरेबान ऐसे पकड़े, और ये जो पीटीआई वाले हैं ये अपनी लीडरशिप का गिरेबान ऐसे पकड़े। क्योंकि भाई ये जितने भी हुक्मरान लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, चाहे वो जेल में बैठे हैं चाहे वो जेल से बाहर हैं, सारे आसूदा हाल हैं। जिस तरह आप सारे चाहे नून लीग से हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे पीटी से हैं, चाहे किसी से भी हैं, सभी पिटे हुए हैं, सभी भूखे नंगे हैं, सभी बुरे हालों में रह रहे हैं ना। इसी तरीके से जिस तरह एक आप में वो एक अदल है पूरा जनाब एक जैसे हालत में है, इसी तरीके से आपके हुक्मरान एक दूसरे के चाहे बजाहिर बदतरीन दुश्मन हो एक जैसी हालतों में रह रहे हैं। ना उनके बच्चों को खाने का मसला, ना उनके बच्चों को मुस्तकबिल को रोटी का मसला, उनकी तो सात पुश्ते तक हर सियासतदान की सेवा जो आपके आकर अवामी नुमाइंदे बनते हैं, और चंगे अवामी नुमाइंदे ने जिन्हों के नुमाइंदे बनते ने वो जनाब अपने अगले वक्त की रोटी परस परेशान ने समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो मेरे भाई ये खबर आपके सामने रखने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ खबर के तौर पर, मियां साहब जदों मियां आवेगा तो लग पता जाएगा जिंदा है भुट्टो जिंदा है आई आई पी टी आई और लानत सारे ते भाईजान की हो गया तुहानू ते लगड़ बगड़ है सारे पता लग गया। ये सारे लगड़ बगड़ है, इन लगड़ बगड़ों से बचना आपका काम है, और इन्हीं लगड़ों बगड़ों के खिलाफ जो है इस बेसिकली सोच के खिलाफ और इन वारदातियों के खिलाफ, मैं इसलिए बार बार इन्हें वारदाती कह रहा हूं कि इन्हें पता है कि ये इतना बड़ा जुर्म और जुर्म किया डकैती है। मौजूदा हालात में अगर खजाना खाली है खत्म करो ना, अपने जेबें खत्म कर दो, अपने मुआहदे खत्म कर दो। आपने रियासत को स्टेक पर रखा हुआ है, एक एक यूनिट 750 रुपए यूनिट आपके ये जो चल रहा है क्या नाम है सी पैक बाप का माल है ना आपके खीसे से जाना है, तो 750 रुपए फी यूनिट भी बिजली बेची जा रही है। और वो जो एजाज गौर ने कहा था, आज एजाज गौर साहब को याद आ गया है सारी कुछ है ने, लेकिन आप ये देखिए एजाज गौर ने क्या कहा, आपके चार आईपीपीज ऐसे हैं, चार आईपीपीज ऐसे हैं जिन्हें 1,000 करोड़ रुपया पर मंथ दिया जाता है, वो बंद पड़े हैं। तो बंद पड़े चार आईपीपीज को 1,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, भाई ये वो जुर्म है जो ये आपके सरहद में बैठकर दहशतगर्दी करते हैं उससे 1,000 टाइम बड़ा जुर्म है, क्योंकि वो 25 करोड़ आवाम को मार रही है। इस जुर्म के जरिए 25 करोड़ आवाम की खुदकुशियां करवा रहे हैं। तो भाई समझ जाओ यार, मैं हलकान होता रहता हूं, खुदा की कसम इसको समझ जाओगे नस्लें बचा लोगे। चलो तुम तो गए, आइंदा आने वाली अपनी जाती नस्ल के लिए जियो, अपने मियां साहब की नस्लों को सवारने के लिए और आगे उनकी सात पुश्तों के लिए अपनी कुर्बानी और अपनी नस्लों की कुर्बानियां ना दो। जरदारी साहब की नस्लों को सवारने और उनकी आगे सात पुश्तों को सवारने के लिए अपनी और अपनी नस्लों की कुर्बानियां ना दो। इमरान खान अरब खरबपति बंदा है उसको सवारने के लिए आप प्लीज खुदा के लिए अपनी कुर्बानियां ना दें। भाई ये सारे एको जे है ने, इन्हों कोई फर्क नहीं पैदा, गंदा है पर धंधा है, और उनके अपने बच्चे किस तरह सुकून में, चाहे खान हो चाहे एक्स वाई जी हो, कोई कुर्बानी नहीं दे रहा। कुर्बानी अगर दे रहा है आप दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुर्बानी आपकी जहालत है, और आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने इन नाम निहाद अपने अवामी नुमाइंदगान के लिए दे रहे हैं। हसन हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।